जय सिंधी में आपकी होस्ट, आपकी टोस्ट मंजुवालिया, आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका स्वागत करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ से करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें और कोरोना से बचते रहें। काफ़ी समय से मुझे फ़ोन कॉल आ रही, फेसबुक मैसेज आ रहे, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे इस शो एक मुलाकात को बहुत ही अच्छा हुंगारा दिया। और आपकी ही लोगों की दुआ है कि ये हमारा शो आपकी वजह से चल रहा है और अच्छा चल रहा है। आपके कमेंट्स के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। जैसा कि हम आपको हर समय एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है और जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है और इनको आपकी भी ज़रूरत है। लेना देना चलता रहता है, इंसान है, समय के साथ साथ। घर, ज़मीन, मकान एक ऐसा लफ्ज़ है जो बच्चा जब बड़ा होता है, नौकरी लगती है तो उसको लगता है कि हमें, हमारे पास घर होना चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए, हमारे पास। तो आज हम आपको एक ऐसे दोस्त से मिलाएंगे जो कि हमारे फिनिक्स से हैं और काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल एक मुद्दत से, वो पहले रियल स्टेट एजेंट थे, फिर ब्रोकर हुए और अब उनको लैंड गुरु के नाम से जाना जाता है। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारा कोई दोस्त आगे बढ़ता है या उनसे बात करते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। और कभी आपको उनकी ज़रूरत हो, फिनिक्स में ज़मीन खरीदनी हो, हमारे लैंड गुरु हाजिर होंगे आपके लिए। हम ये कहते हैं कि दुनियादारी में हम थोड़े से कच्चे हैं, दुनियादारी में हम थोड़े से कच्चे हैं, पर दोस्ती के मामले में हम बड़े सच्चे हैं। हमारी सच्चाई इस बात पर कायम है, हमारी सच्चाई इस बात पर कायम है कि हमारे दोस्त हमसे भी अच्छे हैं। तो चलिए हम आपको अपने ऐसे दोस्त भाई से मिलाते हैं जिनका नाम है जो डुडानी और ये फिनिक्स अर्जोना के रहने वाले हैं और इनको लैंड गुरु के नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार जो भाई। नमस्कार मंजू जी। आपका हमारे चैनल में अभिनंदन है और आपका हमारे को समय देने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका धन्यवाद है जी। जी जो भाई, हम आपसे तो सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में कुछ पूछते हैं। आप कहाँ से हैं, यहाँ कैसे आए, कितने साल से फिनिक्स में रह रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जरूर जी, पर सबसे पहले मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये मौका दिया आज यहाँ आने का। और आपने मुझे पहले, आपको मैं 15 साल से जानता हूँ फिनिक्स में, मुझे आपके लिए थोड़े शब्द कहने हैं। आप लोग मंजू जी को एक मुलाकात में देखते हैं, मैं यहाँ पे पर्सनली उनको फिनिक्स में क्या करते हैं वो देखता हूँ। आप खाली एक मुलाकात नहीं करते हैं, आप कम्युनिकेटिव के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं। पेपर लॉस में जाते हैं तो पेपर करते हैं, दिवाली का मेला करते हैं, कोई भी कम्युनिटी इवेंट होते हैं तो वहाँ जाते हैं, सीनियर सेंटर्स में जाते हैं। सो हम आपका, फिनिक्स के इंडियन लोग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया। दूसरा, मुझे पीछे, आपके पीछे जो ये प्रोड्यूस करते हैं दीपक जी, उनसे मेरी 2 मिनट बात हुई जी, एंड उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि अपने आगे आगे अपने हैं लेकिन अपने पीछे ये ऐसे ही नहीं बनता है, ये शो ऐसे नहीं चलता है जी। काफी मेहनत है शो करने में। एंड सबसे ज्यादा मैं पवनजीत कौर जीत को, संधु जी को मैं नमस्कार बोलूंगा और उनको प्यार से बोलूंगा कि भाई ये ऐसी चैनल स्टार्ट करके आप हमारे कौम के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पंजाबी में, हिंदी में और 2-4 और हैं। तो इट्स सम पीपल, कितने लोग सोचते हैं कि पैसों के लिए करते हैं, नहीं, पैसा आता होगा साइड में पर पैसा का इतना नहीं होता है जितना आप कम्युनिटी के लिए करते हैं। ये शोज,
ये मोस्टली है अपनी सेवा के लिए हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, कम्युनिटी के इंफॉर्मेशन के लिए हैं, तो इसलिए मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ। शुक्रिया शुक्रिया जो भाई। मेरा नाम, फुल नेम है जवाहर सुशीला भगवान दास डोडानी। अब आप बोलेंगे कि लोगों को एक मिडल नेम होता है, दो मिडल नेम क्यों है आपके सुशीला भगवान दास डोडानी? सारी दुनिया फादर का नाम मिडल नेम करते हैं, मैं फादर को नीचे नहीं करना चाहता, मैं खुद फादर हूँ, लेकिन जब मेरी मदर लास्ट ईयर पैस्ट अवे एट द एज ऑफ 83, तो उन्होंने जो सारी जिंदगी किया, उन्होंने जो मैं हमेशा बोलता हूँ मदर इज अ मदर इज अ मदर, मदर के बगैर इस दुनिया चल ही नहीं सकती है, कितना भी ट्राई कर लो अगर मदर नहीं होगी तो ये दुनिया नहीं चलेगी। तो मैंने सोचा क्यों खाली फादर का फर्स्ट नेम मिडल नेम होना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया इस साल, अभी मैंने ऑफिशियली मेरे को रिकॉर्ड करने का एंड ऑल दो थिंग, वोटिंग के बाद करूंगा बिकॉज वोटिंग के पहले नहीं तो मेरे को वोट नहीं करने देंगे, तो मैं मेरा मिडल नेम में मेरी मम्मी का नाम डाल दिया है, इसलिए मेरा नाम सुशीला मेरी मम्मी का मिडल फर्स्ट नेम है, तो जवाहर सुशीला भगवान दास डोडानी। आपके जज्बे को सलाम करते हैं हम, बहुत कम लोग हैं जो माँ का नाम लेके बीच में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी मॉम को बीच में लेके आए इसके लिए। कोई बिरला होता है, कोई अकेला इंसान होता है, मेरे ख्याल मैंने पहला शख्स देखा है जो कि अपनी मॉम के भी साथ में लेके चल रहा है। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आपको सलूट करते हैं। थैंक यू। मैं पहले सोचा था फिर मदर का ही नाम रखता हूँ, फादर का नहीं रखता, फिर मेरे फादर अलाइव हैं क्या? नहीं, फादर ऑल्सो लव्स मी, ही इज अ गुड मैन, तो यू नो आई डिडंट वांट टू टेक, मेरा उनका नाम नहीं निकालना था बिकॉज फादर इज अ बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, मदर जैसा नहीं करते, मदर इज अ मदर, बट फिर भी फादर अपना अपनी तरफ से रोल प्ले करते हैं, एंड सो इसलिए मैंने बोला आई हैव टू हैव बोथ, सो इसलिए मैंने दोनों रखा। मेरा जन्म हुआ था अहमदाबाद में 1954 दिसंबर 1st, तो मेरा बर्थडे आ रहा है वेरी सून, एंड मे बी उस टाइम पे एक और शो करेंगे जी, एंड मेरे को दूसरा शो, ये नेक्स्ट शो करना है, मैं उसके 10 मिनट लास्ट 10 मिनट्स आई वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय नेक्स्ट शो, तो आप मुझे 10 मिनट में मुझे नेक्स्ट शो का मुझे प्रेजेंटेशन करना है। तो जब मेरा जन्म हुआ था दिसंबर 1954 अहमदाबाद में हुआ था, एंड बॉर्न एंड रेज इन अहमदाबाद, तो मुझे लोग बोलते हैं एक तो सिंधी ऊपर से अहमदाबादी, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन इज टफ, सिंधी एंड गुजराती, दे आर बिजनेस पीपल एंड दे आर मोर ऑफ नेगोशिएटिंग, हार्ड नेगोशिएटिंग एंड सो ऑन, सो वही ट्रेड्स मेरी मे बी कम्युनिटी के ट्रेड्स मेरे को बेनिफिट हुए, मैं आई विल टॉक अबाउट दैट। देन आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई केम टू अमेरिका, में जब आया था पहली बार, उसके पहले अहमदाबाद में, आई जस्ट वॉन्ट टू से ब्रेक लिटिल बिट अबाउट माई अहमदाबाद, जब मैं 21 साल का था, अहमदाबाद में पिज़्ज़ा नहीं थे, तो एक पिज़्ज़ा लॉन्च किया था जसूबेन पिज़्ज़ा, मेरी जसूबेन पार्टनर थी, वो आज तक फर्स्ट पिज़्ज़ा 2 रुपये का बेचते थे, वो आज पिज़्ज़ा 80 रुपये का मिलता है, आज तक वो जसूबेन पिज़्ज़ा है, और नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े रहते फर्स्ट टाइम, तो जसूबेन के पिज़्ज़ा का बहुत नाम देते थे कि हमारे स्टेट में लेडीज ने स्टार्ट किया है, पार्टनर में भी था लेकिन लेडीज का, विच इज आई एम जस्ट, मेरे को अच्छा लगता है, तो अभी भी वो जसूबेन पिज़्ज़ा है। ने बहुत सारा कुछ किया मैंने इंडिया में, अंकलेश्वर में अंकल के साथ फैक्ट्री किया था फ्रॉम स्क्रैच, कलर केमिकल फैक्ट्री किया था, फिर यहाँ पे जब डैलास में फर्स्ट टाइम में मैं डैलास में आया, तो डैलास में पहली जॉब थी मेरी न्यू कार सेल्स की, एक महीने के अंदर मुझे प्रोडक्ट नॉलेज सब कुछ ठीक था, मैं जो फायर कर दिया, मेरे को बॉस ने बुलाया और बोले कि जाओ, आई लव यू, यू आर गुड मैन, बट आई कैंट हैव यू, हमको इतना $500 उस टाइम पे $500 पर क्लाइंट का लगता है गाड़ी को डीलरशिप में लाने को, तो मुझे, मैं नया नया था, इंग्लिश बराबर आती नहीं थी, गाड़ी में ठीक से चला नहीं सकता था, तो बोले कि जो गाड़ी और इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है गाड़ी बेचने के लिए, तो मैं निकला, फिर मैंने स्टॉक रूम में स्टार्ट किया एज अ पार्ट्स पिकअप करते थे, कंप्यूटर भी नहीं होता था, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए $5 एन आवर सातों सात दिन जॉब करता था, एंड 12 घंटे 5 डेज, फिर 10 घंटे सैटरडे को, 8 घंटे संडे को, लंच नहीं, पीनट बटर सैंडविच, जितनी बड़ी बड़ी बकेट्स होती थी पीनट बटर की, तो 5 मिनट में खा सकते थे ऐसी, क्योंकि बॉस बोलता था लंच भी नहीं करो, तुम काम करो, 10-15 मिनट की ब्रेक लो, तो उसमें लंच खा लो, आई एम ओके विद दैट, तो वो किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे करके आगे बढ़े, 15 साल डैलास में था,
फिर मेरे को सेल्स में जाना था, तो वहाँ सर्किट सिटी में काम करता था, एंड इट वॉज प्रिटी गुड एक्सपीरियंस. तो वहाँ से मेरे मेरी कंपनी जो लेनेक्स इंडस्ट्री थी, एयर कंडीशन और हीटिंग बनाती है, तो मेरे को कमर्शियल टेरिटरी मैनेजर का पोजीशन मिला और फिनिक्स में मुझे भेजा गया. एंड मैं आ गया फिनिक्स में. आई लव फिनिक्स. डैलास अच्छा था, फैमिली थारी डैलास में है काफ़ी, पर फिनिक्स इट्स अ डिफरेंट यूनिक प्लेस है. बहुत अच्छा है, व्यूज माउंटेन्स हैं, एंड LA 5-6 घंटे पे हैं. उधर नॉर्थ में फ्लैगस्टाफ जाओ, 2-3 घंटे में. क्लाइमेट अच्छा है. सेडोना, सेडोना इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट. ग्रैंड कैनियन, आपने अगर ग्रैंड कैनियन नहीं गए हो, कहीं भी कहाँ भी हो, आके एक बार ग्रैंड कैनियन देखो. आफ्टर 3-4 बार जाने के बाद फिर लगता है खड्डा है, लेकिन पहले 2 बार तो ऐसा लगता है ये खड्डा कहाँ से कैसे बना खड्डा, यू नो, इज अमेजिंग है. सो मेरी लाइफ में जो लास्ट 10 मिनट में, अभी अभी आई एम 66 ईयर ओल्ड दिस December 1st, सो वी विल टॉक अबाउट रियल एस्टेट. बट इट्स आई एम ट्राइंग टू चेंज इन 2 ईयर्स टू स्विच डिफरेंटली. अभी 80% टाइम कर रहा हूँ मैं स्पेंड पैसा कमाने में, 20% अदर्स. इन 2 ईयर्स आई वॉन्ट टू टर्न ओवर, कि 20% पैसा कमाने में, 80% अदर. आप जैसा करते हैं मंजू जी, विश आई कुड डू इट, आई वुड लव टू डू इट. और मेरे 2 बच्चे हैं, एंड मेरी वाइफ भी है, एंड मेरे बच्चा, एक बच्चा तो आप कोई भी देख सकते हो. मेरी शैनन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है. अभी वो इसी तरह जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं सब कुछ, वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही है. इतना अच्छा चल रहा है उसका, बिजी है. कैलिफोर्निया के क्लाइंट्स है, फिनिक्स के क्लाइंट्स है, हेल्पिंग किड्स. आपको, मेरे को कभी स्टोरी नहीं बता दिया, लेकिन शी रियली सीज व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड. क्या हो रहा है दुनिया में, किस तरह की हेल्प बच्चों को चाहिए, टीनेजर्स को चाहिए, एडल्ट को चाहिए. और मेरा बेटा, आप निक NIK, आप उसको सर्च कर दीजिए गूगल में, तो आपको अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज मिलेगी उसके बारे में. वो वेरी सक्सेसफुल एक्टर है LA में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. आपने अभी जो लास्ट ईयर वोडाफोन का एक कमर्शियल था, उसमें डॉग्स थे, काफ़ी डॉग्स थे. आप कभी भी देख लेना वोडाफोन का पक्ष है कमर्शियल, उसमें जो इंडियन बच्चा है, वो जो एक्टर है, वो मेरा बेटा है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बींग इंडियन. आई एम वेरी प्राउड टू बी अमेरिकन. जो है, जो अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो अपने इंडियन का जो मगज है वो अमेजिंग है, एंड आई एम प्राउड. जी जो भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक रियल एस्टेट एजेंट, एक ब्रोकर जिनको लैंड गुरु के नाम से जाना जाता है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, और बहुत बात करेंगे इनसे हम लैंड पर, रियल एस्टेटर्स होना पर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं जो डुडानी जी से, इनके बारे में क्या कहें, मेरी हिम्मत को कम मत आको, मेरी हिम्मत को कम मत आको, मैं वो हूँ जो टूटे हुए धागों से, जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूँ। जी हाँ, रियल एस्टेट एजेंट है। जो भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में कैसे आए? यू नो, बट थैंक यू फॉर दैट. बहुत अच्छा आपने बताया. आप शहरी भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम था, एंड दैट इज़ बहुत बहुत अमेजिंग था. एंड सो यू नो, ऐसे पार्ट टाइम तो मैं बहुत सालों से, इवन टेक्सास में भी करता था बिफोर आई डैलास में जब था, पर फुल टाइम 2004 में मैं एक्चुअली मैंने 2002 में क्विट किया जॉब टू गो इन टू रियल इस्टेट. पर एक रेस्टोरेंट ले लिया, इंडियन रेस्टोरेंट, आपको मालूम होगा, रॉयल ताज, एंड उसमें 2 साल मैं फंस गया, नहीं कर जी सका. लेकिन जुलाई अगस्त ऑफ 2004 मैंने किया, दिस इज इट, इनफ, अब मेरे को रियल इस्टेट जाना है. तो मेरा एक बड़ा क्लाइंट है, दोस्त है, था पहले, अभी क्लाइंट है, तो उसके पास मैं गया. उनका नाम है कुलदीप जी वर्मा, एंड ही इज द ओनर ऑफ वर्मा लैंड, का ओनर है. ये जो हम LA से फिनिक्स की तरफ आए तो वहां ट्रकों के ऊपर वर्मा लैंड, तो आप उनकी बात कर रहे हैं? अमेजिंग, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. जी एंड मैं उनके बारे में एक दो मिनट और थोड़ा कुछ बोलूंगा. लेकिन उनके पास गया था, मैंने कहा कुलदीप जी,
मुझे जॉब दे दो, मैं बहुत आई एम रियली ब्रोक, मुझे जॉब दे दो। तो कुलदीप जी बोलते हैं आई डोंट हायर एनी बडी, मेरे पास मैं रियल एस्टेट के एजेंट्स के से बाय करता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट्स के सेल करता हूँ, ये मेरे पास पार्ट टाइम सेक्रेटरी है, वो मेरा पेपर वर्क करती है, मुझे जरूरत नहीं है। फिर उनको बोला मैंने मुझे बिजनेस सिखाओगे, मुझे लैंड का बिजनेस सिखाओगे, तो उन्होंने मुझे थोड़ी आइडियाज दी, बिकॉज अपने पास इतना टाइम नहीं है बताने का। तो उस आइडियाज से आई वॉज ब्रोक 2004 में, आई वॉज ब्रोक। जी बाय 4 महीने के अंदर मैंने $50,000 के ऊपर कमाया 3 डील के अंदर, एंड उनकी आइडिया से, ओके जी मेरी मेहनत और उनकी आइडिया से। जी तो आई स्टार्टेड लर्निंग। फिर तो 2005, आई डोंट नो एरिजोना का आपको मालूम होगा रियल एस्टेट का मार्केट कैसा था 2005 और 6 का। मैं आई वॉज विद रीमैक्स उस टाइम पे, एंड आई नंबर बोलना भी मेरे को शर्म आती है, लेकिन बोलता हूँ क्योंकि ब्रेक करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि यार आदमी, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर मेहनत करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तो चक्कर कब चेंज होता है मालूम नहीं पड़ता है। तो आई वॉज ब्रोक इन जुलाई अगस्त, 40-50 हज़ार कमाए। जनवरी से लेके दिसंबर तक मैं $100,000 पर मंथ कमाता था कमीशन्स में, जी 1 मिलियन डॉलर कमाया था मैंने उस साल में। 100,000+ एजेंट्स थे रीमैक्स के वर्ल्ड वाइड, मैं टॉप 100 में था। अगेन आई एम नॉट टॉलिंग दिस टू ब्रैग, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपना दिल हार मत मानो, चक्कर कब खुलने वाला है मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। मैं अभी ये बताऊंगा उसके बाद मेरा क्या हुआ था, बहुत बहुत बुरा हाल भी हुआ था। तो 2 साल मेरी बहुत अच्छी गई, एंड वर्मा लैंड ने मुझे काफी हेल्प की, एंड कुलदीप जी ने, एंड सो इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन। आई डिड ही मेड मिलियंस थ्रू मी, आई मेड गुड मनी थ्रू हिम कमीशन वाइज, बट ही इज द लार्जेस्ट हमारे फिनिक्स में, इंडियंस में। आई थिंक ही माई बी वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन, बट मोर देन दैट लैंड में ही ओन्स 25,000 एकर्स, एंड ही इज द आप उस समय की लार्जेस्ट। बात कर रहे हैं जब 2004-5 में जब आपने इनसे ज्वाइन किया, जहाँ तक मेरे जहन में आता है कि आजकल इनकी बेटी जो अनीता वर्मा जी है वो भी इनके साथ है, ये बाप और बेटी की जोड़ी है यस जो एंड लॉक कर रही है फिनिक्स में। यस एंड अनीता का मैं बताऊंगा अभी थोड़ा। शी इज जस्ट अमेजिंग यंग वुमन, जी एंड व्हाट शी हैज डन, कि क्या किया उसने इस यंग एज में। बट आई जी एम श्योर जैसे मैंने फादर कुलदीप जी सीखा था, उसने भी घर में दे देखे फादर जी से सीखा है काफी कुछ, उसके बगैर तो कर नहीं सकती कुछ भी। बट अभी वो शीज खुद नहीं बोलते हैं, पक्षी के पैर खुल जाते हैं, चल जाते हैं, नाउ शी इज ऑन हर ओन एंड शी इज डूइंग वंडरफुल। सो कमिंग बैक टू लैंड में, तो बहुत अच्छा मार्केट था, राइट, एकदम अमेजिंग था। फिर क्या हुआ 2007 में, सबको मालूम है क्या हुआ, मार्केट जी क्रैश हुआ, एंड ऐसा क्रैश हुआ यूएस में कि बात ही मत पूछो। इट जी वाज जस्ट डाउन होते गया 2007-8। हाउसिंग हाउसिंग को 2008 में हुआ है, लैंड का 1-2 साल पहले ही हो जाता है। जी तो हाउसिंग का क्रैश 2007-8-9 में हुआ, एंड तब तक लैंड का क्रैश हो चुका था। तो आई वेंट फ्रॉम $100,000 अ मंथ टू $0, कितना, $0, ओके इनकम। जी एंड उस टाइम पे ना जॉब करने का कुछ था, कुछ था, क्या करें कुछ करें, जैसे तैसे नहीं, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा मार्केट, तो छोड़ भी नहीं रहे थे। एंड जी दूसरी बड़ी मिस्टेक मैंने कर ली उस टाइम पे, कि एजेंट से मैं इन्वेस्टर बन गया, थोड़ा ग्रीड आ जाता है ना अपने में। जी मैं ये 3 शब्द एक बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने सीखे, एंड इट्स अ ग्रीड, गैम्बलिंग एंड स्टुपिडिटी। तो ये 3 शब्द जो हैं मेरे में कभी थे नहीं, जी ना हैं, ना होने वाले हैं, लेकिन वो 2 साल 2005 और 2006 कैसे मेरे मगज में घुस गए मुझे ही जी मालूम नहीं है। तो मैं गुजू के साथ बैठा था, मैं गुजराती हूँ, अहमदाबाद से बॉर्न हुआ है, मैंने कहा ग्रीड स्टार्ट विद जी, गैम्बलिंग स्टार्ट विद जी, स्टुपिडिटी स्टार्ट विद एस, मेरे को तीनों जी चाहिए, मेरे मगज में बुक का टाइटल था। तो पहले तो बोला ग्रीड, गैम्बलिंग, गांडू, नहीं मजा आया। फिर बहुत एक अच्छा शब्द मिल गया, ग्रीड, गैम्बलिंग, गधेड़ा गधा, अपने नहीं बोलते स्टूपिड, जब जी गधा, गधा स्टूपिड नहीं होता है, पर अपने स्टूपिड बना दिया है गधे को, बेचारे को हार्डवर्क करवाते हैं गधे को, उसको स्टूपिड बना दिया है। पर सो आई लॉस्ट एवरीथिंग,
एंड इनकम जीरो हो गया, घर बड़ा बना दिया था, बहुत कुछ कर लिया था, घर में फैमिली प्रॉब्लम्स होने लगे पैसों के लिए, सब कुछ लूज कर लिया, नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली फेम, बट आई लॉस्ट एवरीथिंग। एंड 8,000 स्क्वायर फीट का हाउस बनाया था, उसमें जाके 1,500 स्क्वायर फीट के हाउस में रेंटल में चले गए। मेरा सन जो अभी एक्टर है, सक्सेसफुल एक्टर है, वो टीनेजर था उस टाइम पे, एंड बहुत बड़ी स्कूल में जाता था जहाँ पैसे वाले जाते हैं, उस हॉस्टल में। तो घर में, घर का एड्रेस भी उसने चेंज नहीं किया, बोले मेरे को, मेरे फ्रेंड्स को, और फ्रेंड्स को बुलाना बंद कर दिया उसने। एंड सो इट वॉज अ वेरी बैड शेप। मेरे के लिए 5-6, अगले 6-7 साल बहुत खराब थे। एंड फिर मैं 3-3 जॉब करता था, सुबह को मैं गैस स्टेशन टू गैस स्टेशन जाता था, ऑर्डर लेता था। एंड आई डोंट नो, आप बॉब सिंह को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बॉब को उनका फर्स्ट नेम भी नहीं है, सिंह है। एंड दूसरा, फिर मैं रेस्टोरेंट में सर्विंग करता था। मैं आई स्टार्ट डिड सर्विंग अंटिल 6 years ago व्हेन आई वाज 60 years old। एंड अलहमरा में, यू नो अलहमरा फांसी को आप जानते हैं, जी जी एंड उसके बाद नौकरी करता था मैं, और रात को मैं ऊबर चलाता था। एंड मैं कहा कि मेरे को 5,000 कैसे भी करके कमाने थे, घर का खर्चा 5,000 था, कैसे कमाओ, एक जॉब से तो मिलता नहीं है। तीन तीन जॉब कर, अब आफ्टर 100,000 कमाने के बाद मैं तीन तीन जॉब करता तो ये आज अब हम बात करते हैं रियल स्टेट पे, क्या माहौल है रियल स्टेट इन अरिजोना आपके हिसाब से? था। राइट यहाँ पर कैसे लोग यहाँ लैंड ज्यादा खरीद रहे हैं कि या घर ज्यादा खरीद रहे हैं? जैसे आपने बताया कि वर्मा जी के पास बहुत लैंड है और अभी भी बहुत लैंड है जो बिकने के लिए है, इसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? सो क्या हुआ, क्या आई टोल्ड यू अबाउट माई डाउनफॉल, मैंने कब मेरा नीचे गया सारा मार्केट। जी तो 2012 में कुलदीप जी का फोन आया कि जी जो अभी मार्केट बहुत डाउन है, थोड़ी बाय करनी है लैंड। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं वापस शुरू हो गया उनके साथ। उन्होंने, उनके पास 25,000 एकड़ है, 12,000 2012 के पहले थी, 12,000 एकर्स, 12,000 एकर्स हमने ऑलमोस्ट 2012 में बाय किया। जी एंड 2013 से थोड़ा थोड़ा मार्केट, लैंड का मार्केट ऊपर आने लगा। ओके, जी तो हम दूसरे जो क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर, मेरे मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर डॉक्टर्स, अभी आईटी के रह भी बट मोस्टली डॉक्टर्स हैं। तो धीरे धीरे करके मेरा 13, 14, 15 में काफ़ी काफ़ी आगे बढ़ गया, मेरा बिजनेस वापस अच्छा चलने लगा। इन बिटवीन सिक्स एक एक दो साल स्लो थे, लेकिन ओवरऑल अच्छा चलने लगा। हाउसिंग मार्केट अभी इवन इन 2013, 14 में इट स्टार्टेड कमिंग बैक। जी एंड जब 15, 16 में तो हाउसिंग मार्केट ऑलमोस्ट अंडर, जो 5 लाख के नीचे जो हाउसेज थे वो तो ऑलमोस्ट जो 30% पहुंच गए थे मार्केट के, वो ऑलमोस्ट ऊपर आ गए थे 2014, 16 में। तो मार्केट बढ़ने लगा वापस, बिल्डर्स वापस बिल्ड करने लगे। पहले बिल्डर्स का इन्वेंटोरी बहुत सारा था, वो सारा खत्म हो गया, लोगों का सेलिंग, बायर सेलर्स मार्केट बन गया फिर से रेजिडेंशियल में। लेकिन लैंड में अभी भी सिर्फ बायर्स मार्केट था। तो एज आई सेड के आई एम गोइंग लास्ट 4-5 ईयर, देना मैं पीछे करंटली बताऊंगा अभी क्या हो रहा है। तो 16-17 में लैंड के हम क्लाइंट्स लाने लगे, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग मोर एंड मोर क्लाइंट्स। एंड मैं जहाँ पे लैंड का बिजनेस करता हूँ वो वेस्ट वैली में है, यहाँ पे फिनिक्स की वेस्ट वैली, जी उसको बोलते हैं बकाए टोनापा बोलते हैं। वहाँ पे बिल गेट्स, आई डोंट नो आपने कभी सुना होगा कि नहीं, अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे थोड़ा करंट अभी हुआ। पीछे हमने सुना था कि बिल गेट जो है वहां पर एक नया सिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कर रहे हैं, हाँ जी, आप उनकी बात तो करें? हाँ जी, तो आप कभी गूगल सर्च करके उसका एक वीडियो देख लेना, उसको स्मार्ट सिटी के ऊपर, अमेजिंग वीडियो है। किसी को लिंक चाहिए तो मेरे मुझे फ़ोन कर देना, मंजू जी के पास से मेरा नंबर, ईमेल ले लेना, मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भेज देगा। लेकिन बिल गेट्स ने 2017 में वहाँ पे 25,000 एकड़ में पार्टनर बने, 51% पार्टनर, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो मेरे को, आई लव दैट सिटी, ए छोटी सी सिटी है, छोटा सा टाउन है, एंड वेयर आई मेड इतना सारा पैसा कमाया घुमाया। लेकिन वो मुझे मालूम था, कुलदीप जी वहाँ पे कर रहे थे, दूसरे मेरे इंडियन क्लाइंट्स कर रहे थे, और जब बिल गेट्स आ गया, बिल गेट्स का नाम आ गया, बिल गेट्स की स्मार्ट सिटी का नाम आ गया, माय गुडनेस, अमेजिंग हो गया। जी दुरानी जी, जो भाई हम ये बिल गेट की स्मार्ट सिटी के ऊपर बात करते हैं, पढ़ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं और
इनसे हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बड़े मज़े मज़े किस्से सुन रहे हैं, तो ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे बिल गेट जी के बारे में कि वो अरिजोना में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, और हम बात कर रहे थे जो डूडानी जी से जो यहाँ पर ब्रोकर हैं और लैंड गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो जो भाई आप बताइए स्मार्ट सिटी के बारे में, बताइए कि इसका काम कैसे चल रहा है और क्या कोरोना की वजह से इसमें कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ कम हुआ है लोगों का बाय करना? यू नो फर्स्ट ले मैं बिल गेट्स की बात करता हूँ, फिर कोरोना की बात करते हैं। जी बिल गेट्स, आप सब जानते हो बिल गेट्स के, बिल गेट्स के नाम से, बिल गेट्स ने जो किया है, जो करते हैं, तो उनकी रियल एस्टेट कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, जी जहाँ जहाँ पे भी उनके अच्छे एरियाज वो देखते हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो $80 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, उसके बाद दूसरी दो तीन अनदर $60-70 मिलियन और इन्वेस्ट किया है। नॉट ओनली बिल गेट्स की रियल एस्टेट कंपनी इन्वेस्ट किया है, मैं आई टॉक अबाउट दी स्मार्ट सिटी, बट उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट है, गुडियर है, जो गुडियर जो टोनापा जहाँ पे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसके 5-10 माइल दूर है, 15 माइल, वहाँ पे डेटा सेंटर बनाए हैं। तो मुझे लगता है वो सब कनेक्शन है, डेटा सेंटर बनाया, स्मार्ट सिटी के लिए लैंड लिया है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये जो स्मार्ट सिटी का सुना है मैंने, एंड मैंने अभी आपको और दीपक जी को एक वीडियो भेजा है, अगर हो सके तो 30 सेकंड्स का, 1 मिनट का वीडियो है, अगर दिखा सके दर्शकों को जी तो बहुत अच्छा होगा, मैंने लिंक भेजा हुआ है, तो उससे काफ़ी आइडिया आ जाएगा वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरे शब्दों में इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, जैसे नाम है स्मार्ट सिटी, तो नॉट ओनली सोलर यूज़ करेंगे, काफ़ी टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करेंगे कि तुम्हारी और से सोलर के ऊपर इलेक्ट्रिक कार यूज़ करेंगे, रोड्स में ऐसे बनाएंगे कि यू नो इट दे जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, समथिंग अमेजिंग एंड समथिंग टेक्नोलॉजी। वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं कि आज अच्छी तरह जीना है एक सिटी के अंदर तो कैसे जिया जाए, किस तरह सबकी लाइफ इजी हो जाए, बच्चों को सेफ्टी दे, बोलो सेफ्टी में ध्यान देने वाले हैं, ईजी कैसे हो जिंदगी, ऑल दोज फैक्टर्स दे आर गोइंग टू पुट इन टू दिस सिटी। नाउ 2017 में इन्होंने लैंड परचेज किया, लास्ट ईयर 2019 में दे वर गोइंग टू डू सम अनाउंसमेंट, सॉरी दिस ईयर, जब बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर में 2020 बातें चल रही थी, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, ग्राउंड ब्रेक करेंगे एंड ऑल दोस थिंग, एंड फिर अपना दोस्त आ गया, करोना जी आ गए, एंड करोना जी ने, मैं इतना एंग्री नहीं हूँ करोना जी के ऊपर, थोड़ा सेटबैक कर दिया है जी। लोगों को, आई थिंक अल्टीमेटली इसमें से पॉजिटिव निकलेंगे लोग, हम लोग जो जो बचेंगे, होपफुली वी ऑल विल सर्वाइव, कि इसमें से अपने को क्या सीखने को मिलता है। लेकिन वन ऑफ द थिंग इन रियल एस्टेट बिजनेस इट हैपेंड इज कि मेरा बिजनेस इस साल एकदम, जो मेरा लास्ट 4-5 साल में एकदम बिजनेस अच्छा हो गया था, वापस 90% डाउन हो गया। करोना जी ने बोला कि जाओ, बहुत खुश हो रहा था ना तू, अभी शांत हो जा, तो थोड़ा शांत कर दिया है, लगता है बिल गेट्स को भी थोड़ा शांत कर दिया, बैकग्राउंड में बातें चल रही होगी, मुझे नहीं मालूम है, अभी सुनता हूँ कभी कभी क्या चल रही है बातें, लेकिन उन लोग ने अनाउंस नहीं किया है अभी तक, तो आई एम होपिंग, और प्लस इलेक्शन हो रहा है यू नो 2 वीक के अंदर, तो आई एम श्योर ऑल दोज फैक्टर्स कॉम्बिनेशन मे बी दे आर होल्डिंग अप। सो इलेक्शन के बाद क्या होता है, ये कोरोना का क्या हो रहा है, मुझे लगता है अब $80 मिलियन लगाया है, जगह बहुत फर्स्ट क्लास है, कुछ ना कुछ तो होना ही है। नाउ क्या होगा 2-4 साल में मुझे मालूम नहीं है, बट कब होगा वो भी कह नहीं सकता मैं, लेकिन होना चाहिए कुछ बहुत वेरी सून, कुछ होना चाहिए। तो आपके हिसाब से रानी जी, कौन सा समय अच्छा है लैंड बाय करने के लिए, और पीपल जो कि हमारे दर्शक हमारे साथ किसी भी मुल्क से या देश से या लोकल यूएसए से जुड़े हुए हैं, उनको आप ये बताइए कि क्यों अच्छा है और ये टाइम कब हमको ये जो लैंड जो खरीदनी है, अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा समय अच्छा है और क्यों? यू नो
आप, मैंने मैं पहले बताया था मैं सर्किट सिटी में काम करता था, राइट? तो मैं पहले एक सेकंड सर्किट सिटी का मैं बताता हूँ और उसके बाद मैं लैंड के साथ कंपेयर करता हूँ। तो वहाँ पे कंप्यूटर्स बेचते थे, मैंने जब स्टार्ट किया जब 286 कंप्यूटर बेचते थे अर्ली 90s में, तो 20 10 मेगाबाइट 20 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव होती थी, राइट? एंड मैंने 5 6 साल काम किया, तो एवरी 3 मंथ 6 मंथ कंप्यूटर बढ़ते थे, अच्छे होते थे। लेकिन आप अगर कंप्यूटर मॉनिटर और प्रिंटर की प्राइस देखोगे तो 1500 से 2000 होती थी, और आज भी वही है, 25 साल पहले भी वही थी। तो मेरे पास कस्टमर्स हमारे जो सर्किट सिटी में आते थे वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते थे, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, जो फर्स्ट टाइम यूजर होते थे आते थे, बोलते थे कि जाओ मैं अभी बाय करूँ, 3 महीने के बाद फिर से ये बेटर कंप्यूटर आ जाएगा, तो मैं 3 महीने वेट क्यों नहीं कर लूँ। मैंने किया ठीक है वेट कर लो, लेकिन आप फिर कभी कंप्यूटर बाय नहीं करेंगे, बिकॉज 3 महीने के बाद जब आओगे लेने वही 3 महीने का फिर बेटर होने वाला है। जी ओके, सो यू विल बी नेवर एबल टू बाय कंप्यूटर, आप परचेस कर ही नहीं सकोगे अगर आप बेटर के लिए वेट करोगे। जी तो ले जाते थे। फिर इसी तरह लैंड में क्या हुआ है, लैंड मैंने बताया 2005 6 में पीक में चली गई लैंड, पीक एटले चल जी जा रही थी पीक में, पर उसका जो पीक था 2005 और 6 का, जब मार्केट क्रैश हुआ, राइट, इट केप गोइंग डाउन केप गोइंग डाउन केप। तो 2012 में जब कुलदीप जी वर्मा ने मुझे बताया कि वापस आ जाओ, तो उस टाइम पे बॉटम था। अब बॉटम लैंड में ऐसा था कि आप चक्कर खा जाएंगे, 1 रुपए की चीज 5 पैसे में 7 पैसे में 8 पैसे में मिल रही थी, 1 रुपए की चीज 5 7 8 पैसे में, जमीन जमीन जो कहीं कोई और बनती नहीं है। एरिजोना में तो ओनली 17% प्राइवेट लैंड है, बाकी सब गवर्नमेंट की लैंड है। तो इसीलिए तो 12,000 एकड़ और बच्चे थे कुलदीप जी ने, 13 से लेके मैंने पास मोस्ट ऑफ द इंडियन क्लाइंट्स है मेरे, तो हमने इतनी सारी लैंड परचेस की 13 14 15 16 17 में। एंड जिन्होंने पीक में बाय भी की थी, जिनका 5 10 है, उन लोग ने भी बाय करना चालू कर दिया। मैंने मैंने रुपए की ली थी, अब 5 पैसे की मिल रही है, 10 पैसे की 15 पैसे की मिल रही है, क्यों नहीं लूं मैं, मैंने पहले रुपए की ली हुई है, उन्होंने बाय करना चालू कर दिया। तो मार्केट पहुंच गया 2013 में 5 से 10 पैसा, 2014 में पहुंच गया 10 से 20 पैसा। ओके, फिर थोड़ा स्टेगनेंट हो गया पैसा, अभी बिल गेट्स के बाद थोड़ा ऊपर वापस चल गया, 25 30 पैसा हो गया। तो जो बोलते हैं जो अभी तो 5 पैसे से 30 पैसा हो गया है, अब जी तो बहुत मार्केट बढ़ गया है, ओह माय गॉड अभी मैं लैंड कैसे बाय करे, ना 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 ना, अब लैंड बाय नहीं करना है। ओके, जी तो वही कंप्यूटर का बोलता हूँ कि देखो अगर 30 पैसा, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी बहुत अच्छा मार्केट है, प्लस मेरी स्ट्रेंथ क्या है, आप किसी भी ब्रोकर, मैं खाली बोलता हूँ आप मेरे से खाली इंक्वायरी नहीं करें, मैं तो बोलता हूँ कोई ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए पूरा ट्रस्ट, जब तक आपको दिल से मालूम नहीं पड़े कि ये ट्रस्ट करने वर्दी है। बट जी आप ब्रोकर से पूछिए, दूसरे ब्रोकर से इंक्वायरी करिए, मैं तो बोलता हूँ लैंड किसी भी ब्रोकर से बाय कीजिए, आई हैव, मैं एनकरेज करता हूँ, ठीक है फाइन, बिकॉज भगवान ने मुझे दिया हुआ है अच्छा, जी लेकिन लैंड में लुक इन टू करिए, बिकॉज अभी भी 30 सेंट पे 25 सेंट पे 30 सेंट पे मेरे जो क्लाइंट्स हैं अभी भी बेटर प्राइस में लैंड ला देते हैं, मैं उनके लिए निगोशिएट अच्छा करता हूँ। आप वर्मा जी से पूछ लीजिए, मेरे बड़े बड़े दूसरे क्लाइंट से पूछ लीजिए। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स अ ग्रेट मार्केट, इवन अगर 50 सेंट में पहुंच गया 60 सेंट पे पहुंच गया 70 सेंट पहुंच गया, जो 100 पैसा था उस टाइम का 2005 6 का, वो कोई जी पीक नहीं था, पर वो पीक उस टाइम का पीक था। तो जी आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी इंडिया में देख लीजिए ना लैंड का क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में देख लीजिए, कहीं भी जाके लैंड में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म, लैंड शॉर्ट टर्म नहीं है, लैंड तुमको इन्वेस्ट करोगे 2 मिनट में, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने क्लिक ऑफ द बटन पैसा डाला और क्लिक ऑफ द बटन पैसा निकाल दिया, ऐसा नहीं है लैंड में। लैंड में अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड किड्स के लिए गोल्ड माइन छोड़ के जा रहे हो, अगर आप सीरियसली बोलता हूँ गोल्ड मार्केट। आपका कहने का मतलब है कि गोल्ड खरीदने से अच्छा है कि आप लैंड खरीद के अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रख दीजिए। यू नो यू सेड एब्सोल्युटली, गोल्ड गोल्ड होता है, बट गोल्ड माइन क्या होती है, जी माइन अलग चीज होती है ना गोल्ड की, जी लॉन्ग टर्म के लिए। मैं प्लीज बोलता हूँ अगेन एंड अगेन, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ अगर शॉर्ट टर्म में डबल नहीं करते, शॉर्ट टर्म में मेरे क्लाइंट्स ने डबल और ट्रिपल किए हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म का बोलता हूँ इन्वेस्ट करो, और टाइम बहुत अच्छा है अभी राइट नाउ। बिल गेट्स ने भी, जिस दिन बिल गेट्स स्टार्ट करेगा 20-25% प्राइस चालू बढ़ जाएगा, जी एटले 20-25% एटले डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो
तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड मार्केट, लुक इन टू इट। और दूसरा, मैं इन्वेस्ट करने को बोलता भी नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ देखो, कम से कम सोचो, देखो और डाइवर्सिफाई करो, अपना पैसा, आपके पास अगर रुपया है, चलो 80 पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालती हो, तो उसमें से 10 पैसा निकाल के तुम लैंड में डालो, ऐसा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं जो जुड़ानी जी से, जो कि फिनिक्स के बाशिंदे हैं और लैंड गुरु के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं, तो इनसे हम बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे, और आप ले भी यहीं रुकिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं जो ढुरानी जी से, जो कि लैंड गुरु के नाम से जाने जाते हैं फिनिक्स में। तो जो भाई, मुझे ये बताइए कि इस समय हमें लैंड कहाँ खरीदनी चाहिए जहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही है, और ये आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये गुडियर और टोनापाच के बीच में है, राइट जी? तो इस टाइम जो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कहाँ पर उसको चाहिए क्या कि कहाँ पर वो लैंड खरीदे? डेफिनेटली मैं बोलूंगा आपके, जहां मैं बेचता हूं वहां खरीदो, लेकिन मैं रीजनिंग देता हूं, आप लैंड अगर अच्छे ब्रोकर से कहीं भी खरीदेंगे, जी अगर अच्छे ब्रोकर से जिसको मालूम है कि आपको अच्छी लैंड लेके दे रहा है, अच्छे प्राइस में लेके दे रहा है, इट्स गुड। मैं टोनापा क्यों रेकमेंड करता हूं, बिकॉज टोनापा आउटस्कर्ट में है फिनिक्स के, जी हाईवे 10 के ऊपर है जी जो एलए की तरफ जाता है। जी बिल गेट्स ने वहां पे लगाया पैसा स्मार्ट सिटी के लिए, जी लेकिन दो चार और बातें हैं। I-11 वहां से गुजर रहा है, I-11 जी एंड विच इज हाईवे फ्रॉम मैक्सिको, एरिजोना, नवाडा, लास वेगस और कैनेडा, जी ये सबसे बड़ा हाईवे होने वाला है, वो टोना पास से निकल रहा है। इट्स अ जी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। फिर जब गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था अपॉर्चुनिटी जोन, जी जहाँ पे बहुत बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, जो जी लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो लोग वहाँ पे कुछ घर बनाएंगे, तो काफी जमीनें टोनापा में अपॉर्चुनिटी जोन में है, जी तो इट इज वंडरफुल टू लुक इनटू टोनापा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्राइस अभी भी मैं अभी 30% हो गया, लेकिन आई स्टिल बाय 20%, मेरे को मालूम है डील्स कहाँ से ढूंढने की, ऑल दोस थिंग्स, तो लुक इन टू इट, इट्स वर्थ लुकिंग इन टू इट, वर्थ डिवर्सिफाइंग इट, एंड नॉलेज के लिए कर लो, और कुछ नहीं, एक बार फोन कर लो, आधे घंटे में मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। फिर बकाए भी अच्छी चीज जगह है, विच इज गुडियर और टोनापा के बीच में बकाए हैं, विच इज ऑल्सो वेरी ग्रोइंग सिटी। फिर गुडियर है, सो वेस्ट वैली राइट नाउ बहुत अच्छी एरिया है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। वेस्ट वैली इज वेर फिनिक्स है, जहाँ पे आप एलए की तरफ जा रहे हैं, तो जी बहुत अच्छा ग्रोथ है। मेरे को एक दो बातें बतानी थी, मैं जो रह गई है ना, अपना सेगमेंट ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है खत्म, जी दो चीजें बतानी थी टोनापा में और क्यों अच्छा है, एरिजोना लैंड क्यों अच्छा है। एक है जी सोलर, अभी आपने देखा होगा सोलर इज बिकमिंग बिग एंड बिग, बेटर एंड बेटर एंड चीपर एंड चीपर। जी सोलर के लिए एरिजोना सारे अमेरिका में इज द बेस्ट प्लेस, एंड इन एरिजोना टोनापा इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि उनका जो हीट रेशियो, बहुत टेक्निकल मैं जा नहीं रहा हूं अभी, बट जो उनका कैलकुलेशन है, टोनापा में बड़े बड़े सोलर प्लांट है, हमारे जो वर्मा जी की लैंड है, मेरे दूसरे क्लाइंट्स की लैंड है, वो काफी सोलर के लिए हमारी लैंड जा रही है वहां पे। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर सोलर, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टॉक अबाउट इज लिटिल बिट अबाउट कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि यू कैन स्टार्ट विथ $50,000 इफ यू वॉन्ट टू डू छोटी सी प्रॉपर्टी। पर हम लोग ने, एक मेरे बड़े क्लाइंट है आफ्टर वर्मा, 4 साल पहले मुझे मिले, थोड़ी एक एक महीने में मेरे से $500,000 की एक, बोला मेरे को जाओ मेरे पास 500,000 पड़ा है, मेरे को 4-5 लैंड लेके दे, एक बार मेरे से टोनापा गए। अच्छा, उनका नाम है डॉक्टर हेतल शाह, गायनोकोलॉजिस्ट है, यंग है, 50 ईयर्स के ओल्ड के हैं, उनकी वाइफ, एक बार हम लोग काफी इन्वेस्ट किया उन्होंने वर्मा जी के साथ किया, एक गुप्ता करके हैं, देश गुप्ता जी, वो तीनों ने VGS, तो उन्होंने काफी जमीनें जब मार्केट अच्छा था बाय की। तो एक दिन हम बैठे थे, मेरे को बहुत फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हितल भाई एंड उनकी वाइफ सीमा बहन, सो मुझे घर पे बैठे थे, बोलते जो ज्यादा लोगों को कैसे लावें इसमें और कैसे हेल्प करें अपने, कि उन लोग को कंफर्टेबल फील हो इन्वेस्ट करने का।
तो बोलते हैं कि होटल में सब जगह वो लोग सिंडिकेशन करते हैं, 10 इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो मैंने बोला हाँ अच्छा आइडिया है आपका, यू नो क्रेडिबल, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो हम सोच रहे थे कैसे करें, तो बोलता है जो लेकिन मेरे को पहले उनको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए बिफोर वी मेक एनी मनी। मैंने कहा ठीक है चलो उनको 10% मिनिमम रिटर्न मिला है, उसके बाद अपने कुछ मैनेजमेंट चार्ज करेंगे। बोले नहीं 10 नहीं, 25% उनको रिटर्न मिलना चाहिए। मैंने कहा 25% रिटर्न पर ईयर, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट फी चार्ज करेंगे। मैंने कहा हेतल भाई वो बहुत बड़ी रकम है 25%। बोले नहीं जो अपने अच्छी लैंड बाय करते हैं अपने को मालूम है वो इतना बढ़ने वाला है तो वाई नॉट। तो हमने सिंडिकेशन चालू किया छोटा, पहले किया हमने आधे मिलियन का किया, 2-3 जने फ्रेंड लोग ने किया, फिर धीरे 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 करके बड़ी करने लगे, 15-20, 1.5 मिलियन की, 1 मिलियन की, 2 मिलियन की जमीन है। एंड हमने ऐसी 10 डीलें की हुई है 3-3.5 साल में। तो लोग लोग इजी है, डॉक्टर लोग है, कोई आईटी लोग है, $50,000 इन्वेस्ट करना सिंडिकेशन में। और सिंडिकेशन में दूसरा क्या होता है, प्रॉपर्टीज, बिकॉज बड़ी प्रॉपर्टीज है बायर्स नहीं है, हम लोग बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, बहुत सस्ते में ले सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमने काफी की। फिर क्या हुआ, अनीता जो वर्मा की बेटी है उनका लास्ट नेम है ललियन, तो मैरिज के बाद तो वो उसको मगज में आया, ये हितल भाई कर रहा है, जहू कर रहा है, मैं नहीं करूं, मेरे पास भी अनुभव है, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, और वो सोलर में बहुत एक्सपर्ट है, वो सोलर में बड़ी सब सोलर कंपनीज को जानती है। तो उसने बोला मैं भी करूं। मैंने कहा ठीक है करो। तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग हर आउट बाइंग लैंड में। तो उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने भी 4 डील किया, नाउ 3 लड़कियों ने किया है। ओके आई एम सो अमेज के मैनेजमेंट टीम उनका है 3 गर्ल्स 3 गर्ल्स, इट इज अमेजिंग। एंड अनीता प्लेज अ लीड रोल बिकॉज शी इज इन टू लैंड बिजनेस एंड काफी बड़ा रोल कर रही है। तो ये जो मेरे 2-4 बड़े क्लाइंट्स है दे कीप मी गोइंग, दे आई थिंक इट इज वर्थ लुकिंग इन टू सिंडिकेशंस एंड इट्स वर्थ लुकिंग इन टू इन्वेस्टिंग इन लैंड, इट्स वर्थ लुकिंग इन टू, यू नो। ये जो हम देखते हैं जब यहाँ से फिनिक्स से एलए की तरफ जाते हैं, I-10 के ऊपर जो लैंड पड़ी हुई है वर्मा लैंड के, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, ये भी लैंड बिकाऊ है कि वही? यस यस थोड़े घने वो जो ट्रेलर तो थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए हैं जी एंड बट या उनकी मिलो ना 25,000 एकड़ है, उसमें 10,000 एकड़ टोनापा के एरियाज में है, तो काफी लैंड उनकी है। मगर मेरे पास अभी कम से कम 200, मैंने 500 ट्रांजेक्शन किए हैं लास्ट 15 साल में, तो सारे इंडियंस है। कल परसों ही मेरे कुलदीप जी से बात हो रही थी, तो बोले कि ये जब मार्केट थोड़ा वापस आएगा इंडियन का नेटवर्क कितना बढ़ेगा यहाँ पे टोनापा में। मैंने बोला बात ही मत पूछो, इतनी सारी लैंड इंडियंस ओन कर रहे हैं वहां पे, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इट्स गोइंग टू बी अनदर इन्वेस्टमेंट, ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियंस। तो नहीं काफी लैंड है, मेरे क्लाइंट्स की है, दूसरी भी है, यू नो। तो अगर एक इंसान, चलो एक छोटा इंसान है, वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी लैंड में, तो कितने तक उनका इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो आई वुड से कि अगर 50,000 से कम करना चाहते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कैन बाय 1 एकड़ बाय कर सकता हूँ, अच्छा 10-15-20 हज़ार का 1 एकड़ रहना जमीन में ले सकता हूँ, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो। ना, लेट मी नॉट से इट्स नॉट वर्थ इट, इज वर्थ इट लॉन्ग टर्म उनके लिए। वो 1 एकड़ भी अच्छा है जिनके पास खाली 15,000 है, 20,000 है। मैं किसी को भी हेल्प करेगा, मैं 15, पर उनके लिए बेटर होगा कि वो सिंडिकेशन में करें। ओके और बेटर होगा कि सिंडिकेशन में नहीं करना हो तो 3-4 दोस्त लोग मिलके, फैमिलीज मिलके 100,000 की जमीन ले, 25-25 हज़ार डाल के, ऐसा भी किसी ने, काफी लोगों ने किया हुआ है। तो देन वी कैन बाय 5 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन, समथिंग लाइक दैट, यू नो। जो भाई मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, वहीं पर मुझे पता चला है कि कुछ लैंड वर्मा जी और अनीता जी और आपके है, जहाँ पर आप लोग घर बना के भी एक एकड़ एकड़ लैंड में जो आप बेच रहे हैं, वो शहर से कितनी दूर है और क्या सुविधा है वहाँ पर, क्या पानी बिजली का भी वहाँ पर सुविधा है? हाँ जी, तो हेतल भाई के ब्रदर हैं, ओल्डर ब्रदर है नीलेश शाह, जी बैठे थे बातें कर रहे थे एक दूसरा, राज पटेल करके है मेरा क्लाइंट। तो जी मेरा जब लैंड बिजनेस स्लो था कोविड की वजह से, मैंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वी स्टार्टेड अ बिजनेस डूइंग घर में, घर बनाने लगे हम लोग नए घर। तो दो जी टाइप के घर होते हैं, एक तो रेगुलर जो घर होता है मिट्टी से बनता है, फाउंडेशन से बनता है, और दूसरा घर होता है मैन्युफैक्चर्ड होम, जो फैक्ट्री से होम तैयार आता है, फिर भी फाउंडेशन और जी सब करना पड़ता है, लेकिन सारा घर अंदर से बनेला बाहर से बनेला तैयार आता है फैक्ट्री से, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल होम। तो हम दोनों टाइप के होम्स करते हैं, बहुत अच्छा मार्केट है, टोनापा इज अ हॉट मार्केट,
एंड 1 एकड़ की जमीन के साथ तुम्हारा 2,000 स्क्वायर फीट का होम तुम 2.5 लाख में परचेस कर सकते हो। एंड टोनापा के अंदर हाईवे I-10 की पर बीच में एलए की तरफ जाने के लिए तो काफी लोग बाय कर रहे हैं, बिकॉज 2.5 लाख में आजकल फिनिक्स में कुछ नहीं मिल रहा है। और छोटा सा कॉन्डो मिल जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 2,000 स्क्वायर फीट का ब्रांड न्यू होम 1 एकड़ जमीन के साथ मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा, आपने भी देखा कि लैंड गुरु के नाम से जाने वाले जो डूडानी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वक्त समय का पता ही नहीं चला आपसे बात करते हुए कि कैसे चला गया। आपके लिए सिर्फ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबके लबों पर आपका नाम होगा, नमस्ते, सबके लबों पर आपका नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, ओ माय गॉड, हर मुसीबत का सामना किया आपने डटकर, देखना समय एक दिन तेरा गुलाम होगा, ओ माय समय एक दिन गॉड, तेरा गुलाम होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से भी विदा लेती हूँ, और लैंड गुरु जो ढुरानी के नाम से कभी धन्यवाद भी आप धन्यवाद। गूगल करेंगे, और देखिए इन्होंने कितना अच्छा कहा कि ज़रूरी नहीं कि मुझसे लें, किसी से भी लें, कोई इंसान ये नहीं कहता है, वो कहता है कि हमसे लें, तो इनका दिल सच्चा है। तो ठीक है, शुक्रिया, आप खुश रहिए, धन्यवाद आबाद रहिए, इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और एक मुलाकात देखते रहिए। शुक्रिया, शब्बे खैर, नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।